सो वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि एनडीए 2017 में पूछे गए थे इन पार्ट वन एंड पार्ट सेकंड, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे विद ओनली ट्रिक्स। सो मेरे साथ बने रहिए आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है फॉर योर प्रिपरेशन, ओके, तो मैं आगे भी वीडियोस लेके आते रहूँगा, ठीक है ना, फॉर योर प्रिपरेशन। एंड और देखिए आप कितने आसान तरीके से और विद ओनली ट्रिक्स वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो आर इन द सेम रेशियो एज दोज ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। जो पहला इक्वेशन है फ्रेंड्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, चलो ये हमने पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ओके। अब इसके रूट्स हम अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपका जैसे हमने मान लिया वन और टू मान लेते हैं सपोज, ठीक है ना, ये आपका अल्फा हो गया एंड दिस इज बीटा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, अब इसके रूट्स हम मानेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना। अब इस पर लिखा क्या है, आर इन द सेम रेशियो, मतलब इसके जो रूट्स का जो रेशियो है अल्फा और बीटा का जो रेशियो है अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है ना, और इसमें जो रूट्स हम मानेंगे जो सेकेंड वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू जीरो के जो है, सपोज ये आपका हो गया गामा एंड डेल्टा, ठीक है ना। अब ये गामा और डेल्टा हमने इसके हिसाब से लेना है कि गामा अपॉन डेल्टा शुड बी इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, मतलब इनके रेशियो सेम होने चाहिए फ्रेंड्स। तो अपने मन से आप कुछ और नंबर्स मान लीजिए, यहाँ पे टू और फोर मान लो, ठीक है। तो यू कैन सी टू और जो फोर का जो रेशियो आता है टू अपॉन फोर, व्हाट यू विल गेट, उतना ही आ रहा है, वन अपॉन टू के बराबर ही आ रहा है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब आपके पास पहले वाले उसमें जो रूट्स हैं वन और टू हैं, तो इससे आपके इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है वन, बीटा है टू, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा थ्री एक्स, ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो वन इंटू टू टू इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब पी की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे माइनस थ्री के बराबर हो गया, और क्यू की जो वैल्यू हो गई ये टू के बराबर आ गया, ठीक है ना। इन द सेम वे अब ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू प्लस फोर दैट इज सिक्स, ओके, सिक्स एक्स प्लस अल्फा बीटा टू फोर या एट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ओके, इक्वल टू जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से एल कितना हो गया आपका माइनस सिक्स और एम कितना हो गया एट। अब आपने ऑप्शंस में जाना है, पहला ऑप्शन आपका क्या है, पी स्क्वायर एम इक्वल टू एल स्क्वायर क्यू, तो पी कितना है फ्रेंड्स, तो इस वाले जो ऑप्शन में अगर हम देखें, आप देखिए पी की वैल्यू यहाँ पुट अप कीजिए माइनस थ्री का स्क्वायर, ओके, पी का स्क्वायर इन टू एम, व्हाट इज एम, इधर एट है आप देख लीजिए आप, ठीक है। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, माइनस थ्री का स्क्वायर इज नाइन, नाइन एट जी सेवेंटी टू, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड वाला ये जो आपका है एल स्क्वायर क्यू, तो एल कितना है फ्रेंड्स, एल यू कैन सी हियर माइनस सिक्स, ठीक है ना, तो माइनस सिक्स का स्क्वायर इन टू क्यू, व्हाट इज क्यू हियर, क्यू आपका यहाँ पे है, क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, टू के बराबर प्लस टू, ठीक है फ्रेंड्स। दैट मीन्स माइनस सिक्स का स्क्वायर हो गया थर्टी सिक्स इन टू टू दैट इज सेवेंटी टू, दैट मीन्स एल एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल, तो ये जो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, इन वैल्यूज को पुट अप करने पे, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर बी एंड सी आर नॉन जीरो इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर स्क्वायर्स, मीन्स आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसके जो रूट्स है फ्रेंड्स अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। अब अल्फा और बीटा के लिए कंडीशन गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब आपने सोचनी अपने दिमाग में कि अल्फा और बीटा की कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो अगर हम अल्फा की जगह पर वन ले लें और बीटा की जगह पर वन ले लें तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने दिमाग चलाना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि तो अल्फा प्लस बीटा टू और यहाँ भी आपका टू इक्वल टू टू आ गया, दैट मीन्स सेटिस्फाई हो रहा है पूरा कंडीशन, ठीक है। तो अल्फा कितना हो गया फ्रेंड्स वन और बीटा कितना हो गया वन। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, आपको मालूम है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 टू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा कितना है फ्रेंड्स 1 1 1 इक्वल टू 0। ओके तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपका b की वैल्यू माइनस 2 के बराबर होगी, b की वैल्यू माइनस 2 के बराबर और c की जो वैल्यू है प्लस 1 के बराबर आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने दिमाग में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो लास्ट वाला जो पार्ट पूछा है देन 1 अपॉन c कॉमा b कॉमा c अपॉन b आर इन, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है 1 अपॉन c, तो 1 अपॉन c, तो 1 अपॉन c कितना था फ्रेंड्स, c की वैल्यू 1 के बराबर है, दैट मींस 1 अपॉन c 1 आ गया। और उसके बाद क्या है b, तो b की तो डायरेक्टली वैल्यू है कितनी है, b की वैल्यू माइनस 2, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा था आपका c अपॉन b, c अपॉन b, व्हाट इज c हियर, c कितना है फ्रेंड्स, c इज 1, ओके एंड b इज व्हाट माइनस 2, तो आपका आ गया माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि अगर दिक्कत नहीं आएगी आपको बाद में, ठीक है। इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं, ठीक है, और इसके अपॉन में भी 1 कर लेते हैं, लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सबके डिनोमेटर्स इक्वल कर लीजिए आप, 2 अपॉन 2 दैट मींस 2 अपॉन 2 और ये आपका इनटू 2 अपॉन 2 दैट मींस माइनस 4 अपॉन 2 और ये आपका ऑलरेडी माइनस 1 अपॉन 2 है। अब चेक करते हैं एपी के लिए, ठीक है ना। एपी में होगा तो फ्रेंड्स इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का जो डिफरेंस है ये इक्वल आना चाहिए, मींस माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ रहा है माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन 2 आ गया, दैट मींस माइनस 3 के बराबर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस 4 दैट मींस माइनस 1 प्लस 4 दैट इज 3 अपॉन 2। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये इक्वल नहीं है तो एपी नहीं होगा, ठीक है। अब जीपी वाली बात देखते हैं, जीपी के लिए क्या था आपका नंबर्स क्या थे आपके, पहला आपका था 1, ठीक है, दूसरा था माइनस 2 और तीसरा था 1 अपॉन माइनस 2। तो 1 अपॉन ये आपका बी दोनों का, इन दोनों का जो आपका रेशियो है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या आपका माइनस 2 अपॉन फर्स्ट टर्म क्या था फ्रेंड्स 1, तो इनका रेशियो आ रहा है माइनस 2 के बराबर। और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या आपका माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना, अपॉन और फर्स्ट सेकेंड टर्म था आपका माइनस 2, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 सॉरी प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या ये सेम आ रहे हैं, तो ये आपका नहीं आ रहा है सेम, कॉमन रेशियो जो है सेम नहीं है, ठीक है ना, तो जीपी भी नहीं होगा। अब बस जा एच पी, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला नंबर आपके पास क्या था 1, अब 1 का उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है। और दूसरा क्या था आपके पास माइनस 2, माइनस 2 का रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है ना। और तीसरा आपका था c अपॉन जो b आया था 1 अपॉन माइनस 2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1, ठीक है ना। अब आपने चेक करना है क्योंकि कोई भी नंबर्स जो होते हैं एच पी में कब होते हैं, जब उनका रेसिप्रोकल करके ए पी आना चाहिए। तो ये जो नंबर्स थे हमारे पास वो है 1, 1 अपॉन माइनस 2 एंड माइनस 2 अपॉन 1, अब इनका हमने रेसिप्रोकल कर दिया फ्रेंड्स। अब रेसिप्रोकल करके ये एपी बननी चाहिए, अगर ये एपी बनेगी तो ये आपके तीनों नंबर एचपी में होंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को घटाइए आप, घटाने के लिए आप डायरेक्टली यू कैन सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 लिख देते हैं माइनस 1, तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स माइनस 3 अपॉन 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप इन दोनों को घटाइए आप कितना आ रहा है माइनस 2 अपॉन 1 माइनस माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 दैट मीन्स 2 टू या 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 2, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं आपके ये आपको सेटिस्फाई और एपी बना रहे हैं, मतलब ये जो नंबर्स गिवन थे 1 माइनस 2 और 1 अपॉन माइनस 2 इनका जो रेसिप्रोकल है वो एपी बना रहे हैं, तो ये नंबर्स एचपी में होंगे, तो सी विल बी द करेक्ट
ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, एचपी वाला. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह बट थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन. क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी वही है, देखिए आप ध्यान से. और सेम ईयर में पूछा गया है, एनडीए 2017 के फर्स्ट वाले पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना. द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से बी हटा दिया फ्रेंड्स, बी एक्स था ना यहाँ पे, यहाँ पे केवल एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे वन है, ठीक है. ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स मीन्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, where a and c are non-zero is equal to the sum of the reciprocals of this. तो अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा तो इसको भी हम उसी तरीके से बना सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा किसके, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ अल्फा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं वन, ठीक है ना, और बीटा की वैल्यू वन. तो आपका इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, कि इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, अल्फा आपका और बीटा दोनों आपकी वन और बीटा भी वन. तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, अब ध्यान से देना, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करनी पड़ेंगी चीजें. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स टू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वन इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब यहाँ पे इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, तो बीच में यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ बी नहीं है, बी होता तो डायरेक्टली हम इसको इसी को मान लेते हैं, ठीक है ना. यहाँ प्लस वन है बट यहाँ पे आपका बीच में माइनस टू आ रहा है, ठीक है ना. तो आप इसको प्लस वन बनाने की सोचिए, प्लस वन कब बनेगा ये, जब मैं इसको माइनस टू से डिवाइड करूंगा पूरे इक्वेशन को, ठीक है ना. माइनस टू से डिवाइड कीजिए क्योंकि बीच ये दोनों तो चलो चलेंगे, ए एन सी ए कुछ भी हो सकता है, बट प्लस वन यहाँ पे प्लस वन आना चाहिए, ठीक है ना, बीच में. तो प्लस तीसरे वाले में आपका आ गया अपॉन माइनस टू. ओके, तो सबको माइनस टू से डिवाइड कर लिया आपने, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, और बीच में आपके प्लस वन एक्स बन चुका है, और प्लस प्लस माइनस माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जीरो, ठीक है. अब आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, ए की वैल्यू होगी माइनस वन अपॉन टू, और बी की जो वैल्यू है, बी तो यहाँ है नहीं वैसे भी, बीच में वन वन हो गया, और सी की जो वैल्यू है आपकी क्या हो गई, माइनस वन अपॉन टू, ठीक है ना. तो अब तो गिवेन आपको क्या, ए सी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आर इन, तो ए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ए आपका डायरेक्टली आपका ए तो ये हो गया सीधे, ठीक है ना, माइनस वन अपॉन टू. एंड सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज सी, माइनस वन अपॉन टू इंटू ए का स्क्वायर, तो ए कितना है, माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर, तो आप जाएगा अपॉन फोर, दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर, माइनस वन अपॉन एट. ओके, और तीसरा है आपका सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, सी कितना था, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर, दैट मीन्स वन अपॉन फोर. ओके, ये तीनों नंबर हमारे पास आ गए, ठीक है ना. आपने चेक करना है एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, ठीक है ना. तो एपी में होगा तो फ्रेंड्स इन दोनों का जो डिफरेंस है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है सेम आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस वन अपॉन एट माइनस माइनस वन अपॉन टू. तो कितना रेफरेंस चेक कीजिए आप इसको, माइनस वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन टू, दैट मीन्स कितना आ जाएगा ये, माइनस वन प्लस फोर अपॉन एट, तो थ्री अपॉन एट आ गया फ्रेंड्स, ठीक है. ये तो आ रहा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा, वन अपॉन फोर माइनस माइनस वन अपॉन एट, ठीक है. तो आपका आ रहा है वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन एट, ठीक है फ्रेंड्स. तो इसको लीजिए एट, फोर टू या एट, टू प्लस वन, ओके, यू आर गेटिंग थ्री अपॉन एट हियर ऑल्सो, दैट मीन्स पहला ही आपका जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो गया, आपने आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो जो ए सी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर है वो किस में होंगे, एपी में, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, सेकेंड 2017 के सेकेंड वाले उसमें पूछा गया था क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो आर. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैंने आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस में भी डिस्कस किया था, इस टाइप की प्रॉब्लम्स इसके लिए ट्रिक्स बताई थी आपने, ठीक है ना. ये आपके साइक्लिक ऑर्डर में है, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर ये जो आपको दिख रहा है, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, इनका सम क्या जीरो के बराबर है, पहले चेक कीजिए आप, ठीक है ना. आर देयर सम इक्वल टू जीरो, तो Q से Q कट गया फ्रेंड्स, P से P कट गया, R से R कट गया, दैट मीन्स इन तीनों का सम A, B और C, यहाँ पे जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का अगर सम जीरो के बराबर आ जाए तो इसके रूट्स डायरेक्टली होते हैं फ्रेंड्स. इसके रूट्स क्या होते हैं इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक रूट तो वन होता है, और जो दूसरा रूट होता है, एक रूट वन हो गया, दूसरा रूट होता है आपका सी अपॉन ए, ठीक है फ्रेंड्स. तो सी अपॉन ए, तो आप सीधे सीधे आंसर देख सकते हैं इसके,
एक रूट तो वन ही हो गया, दूसरा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी माइनस क्यू, आपका सी है यहाँ पे और ए की वैल्यू कितनी माइनस आर। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो बी और सी में से एक आंसर होगा, तो बी में आपका पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर कॉमा वन, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मीन्स जो आपका ये इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स आपने निकालने फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ मॉडुलस है आपका x माइनस थ्री का स्क्वायर, तो इस मॉडुलस x माइनस थ्री को कुछ समय के लिए हम क्या मान लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y स्क्वायर प्लस y माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करूं तो y तो आ जाएगा y प्लस टू y प्लस टू और साथ में आ जाएगा y माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके आ गए, तो इससे क्या आ जाएगा y प्लस टू इक्वल टू जीरो या और y माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू इससे आ रहा है पहले वाले से माइनस टू और इस दूसरे वाले से y इक्वल टू वन आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो y की वैल्यू माइनस टू पॉसिबल नहीं है क्योंकि y आपका मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री था y और ये माइनस टू के बराबर, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस टू के बराबर ही पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। दूसरा आपका वाई इक्वल टू वन, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री, वाई इतना था इक्वल टू वन, तो अब यहाँ प्लस माइनस आपको मालूम है, माइनस थ्री इक्वल टू वन, एक बार प्लस साइन लीजिए, तो प्लस साइन लूंगा तो क्या बनेगा x माइनस थ्री इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फ्रेंड्स थ्री, वन प्लस थ्री फोर आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस x, माइनस का साइन लेने पे माइनस x माइनस माइनस प्लस थ्री इक्वल टू वन, और यहाँ से आपका जो आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी थ्री माइनस वन टू, ओके टू आ गया फ्रेंड्स। तो हमने क्या लिखा, सम ऑफ द रूट्स, आई मीन के रूट्स के सम, तो रूट्स इसके हमारे कितने आ रखे हैं, दो रूट्स आ रखे हैं, एक फोर और दूसरा टू, दो ही रूट्स हैं, तो फोर प्लस टू सम ऑफ द रूट्स पूछा गया है, फोर प्लस टू, तो आंसर सिक्स है आपका, फोर प्लस टू इज सिक्स एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर सेवन एनडी 2002 के सेकंड में पूछा गया है, इट इज गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस लॉग पी बेस थ्री इक्वल टू जीरो आर रियल, ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो रूट्स रियल कब होते हैं, जब डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो डी निकालने के लिए क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वट इज बी हेयर माइनस फोर, तो माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू माइनस लॉग थ्री पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, फोर लॉग थ्री p greater than equal to zero, ठीक है। तो आप इसको यहां भेजिए फ्रेंड 16 को, तो क्या बन जाएगा 4 log 3p, ओके, greater than equal to minus 16, ओके, 4 को अपॉन में भेजिए, तो log 3p greater than equal to minus 16 upon 4 आ जाएगा, तो minus 4 बन जाएगा फ्रेंड्स। अब log का जो बेसिक डेफिनेशन मैंने कहा था log वाले वीडियोस में, log a p इक्वल टू सी ए, तो यहाँ से आपकी जो कंडीशन बनेगी, जो a की पावर c इक्वल टू b के बराबर होता है, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है लॉग का, ठीक है ना। a जो बेस है आपका a टू दी पावर c इक्वल टू b, तो लॉग हटाना है तो इसका हम यूज करेंगे, तो a यहाँ पे क्या आपका 3, 3 की पावर माइनस 4, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका p विल बी, ठीक है ना, p विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑल ऑफ यू नो 1 अपॉन 3 टू दी पावर 4 हो सकता है, उसको हम 181 बन गया आपका, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ऐसे ही है p, ओके, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 81, तो डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन का, c इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा टू द पावर माइनस 1 एंड बीटा प्लस अल्फा टू द पावर माइनस 1 इज, ठीक है। तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं फ्रेंड्स अल्फा और बीटा। तो पहले तो आपने देखना है क्या आप अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं, इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें डी चेक कीजिए क्या आएगा, बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 ए सी, तो नेगेटिव मारा फ्रेंड्स, तो ऐसे आपका स्प्लिट होना मुश्किल हो जाएगा, नेगेटिव में है तो टिपिकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे इनकी रिलेशन का यूज कीजिए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए माइनस 2 अपॉन 3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट इज 1 अपॉन 3, ओके। अब हमारे पास हमने एक ऐसा इक्वेशन निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा टू द पावर माइनस 1 और बीटा प्लस अल्फा टू द पावर माइनस 1 है, ठीक है।
तो इसको गामा मान लेते हैं फिर कुछ समय के लिए गामा, और इसको इस वाली को मान लेते हैं डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा, ठीक है फ्रेंड्स। तो गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, व्हाट इज गामा, अल्फा प्लस बीटा टू द पावर माइनस वन माने वन अपॉन बीटा, प्लस अल्फा टू द पावर माइनस वन माने वन अपॉन अल्फा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको इन दोनों को साथ में रख लीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस और ये दोनों साथ में, ठीक है, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन पर आप सॉल्व कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, और बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, माइनस बी अपॉन ई, दैट इज माइनस टू अपॉन थ्री है आपका, ठीक है, प्लस माइनस टू अपॉन थ्री अपॉन अल्फा बीटा कितना है वन अपॉन थ्री, तो थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, दैट मीन्स व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, माइनस टू अपॉन थ्री प्लस माइनस माइनस टू, दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट हियर, थ्री टू या सिक्स माइनस सिक्स और माइनस टू माइनस एट अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये तो सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकालना है, गामा इंटू डेल्टा, तो गामा इंटू डेल्टा, तो गामा कितना था फ्रेंड्स, अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, ठीक है, और साथ में था बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा। तो यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा। तो अल्फा बीटा कितना है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू नो दिस, या इसको अदा बेटर रहेगा, अल्फा बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, और साथ में नीचे में अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। अब इसको आप पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए, अल्फा बीटा व्हाट वाज, अल्फा बीटा वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, वन अपॉन थ्री। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, थ्री वन जा थ्री, फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री का स्क्वायर माने सिक्सटीन अपॉन नाइन, और इंटू ये उल्टा हो जाएगा ऊपर में, थ्री अपॉन वन, तो थ्री से कटा, तो ये आपका आ रहा है इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन थ्री, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा, यही बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज गामा प्लस डेल्टा, माइनस एट अपॉन थ्री था तो प्लस एट अपॉन थ्री हो जाएगा यहाँ, और प्लस अल्फा गामा डेल्टा, तो गामा डेल्टा कितना है फ्रेंड्स, सिक्सटीन अपॉन थ्री, प्लस सिक्सटीन अपॉन थ्री, ओके, इक्वल टू जीरो। तो इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, तो आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, थ्री वाला इस तरफ आ जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास बच गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर नाइन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर इज 90 डिग्री, इफ 10 पी बाई टू एंड 10 क्यू बाई टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। पहले तो हम इसको डायरेक्टली करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड से, फिर देखेंगे इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से आप देखेंगे, इसके रूट्स अल्फा आपका है कितना 10 पी बाई टू, और बीटा क्या है फ्रेंड्स, बीटा इज 10 क्यू बाई टू, ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट सम ऑफ द रूट्स अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 10 पी बाई टू प्लस 10 क्यू बाई टू, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तो बी की जगह बी है, ए की जगह पे ए ही है, तो माइनस बी अपॉन ए हो गया ही, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम लिख सकते हैं 10 एक्स प्लस वाई, तो आपको जैसे कि फॉर्मूला मालूम है 10 एक्स प्लस वाई क्या होता है फ्रेंड्स, 10 एक्स प्लस 10 वाई, ओके, अपॉन 1 माइनस 10 एक्स इंटू 10 वाई, ये फॉर्मूला है। और इसको अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो क्या आ जाएगा, 10 एक्स प्लस वाई इक्वल इंटू 1 माइनस 10 एक्स 10 वाई इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई आ जाएगा, 10 एक्स प्लस 10 वाई, ओके। तो ये चीज़ आपने 10 एक्स प्लस 10 वाई का फॉर्मूला आपने यहाँ 10 एक्स प्लस 10 वाई, तो इसको यूज़ कर लीजिए आप। तो 10 एक्स प्लस वाई पी अपॉन टू प्लस क्यू अपॉन टू, ठीक है ना, इंटू 1 माइनस 10 p upon 2 into 10 q upon 2, okay friends, equal to minus p upon a। अब आपको मालूम है p plus q, यहाँ पे triangle PQR आपका right angle triangle था, यहाँ पे r 90 degree है, और p और q जो है ये है, तो इन दोनों का सम भी 90 के बराबर होगा, p plus q का सम। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो p plus q upon 2 आ जाएगा, p plus q upon 2 means 90 upon 2, that means 1045 degree, 1045 degree value होती है 1 into, अब यहाँ पे friends 1 minus 10 पी अपॉन टू इंटू क्यू अपॉन टू, ये अल्फा है ये बीटा है,
तो अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा कितना है फ्रेंड्स, अल्फा बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पे सी की जगह सी है तो सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो a माइनस सी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ए से ए कैंसिल हो गया, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर a माइनस सी इक्वल टू माइनस बी, और b को इस तरफ c को इस तरफ कर लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू सी, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन c इज करेक्ट। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉरी ट्रिक के जरिए सॉल्व करता तो हाउ वुड आई हैव सॉल्व दिस। ठीक है ना, जस्ट सी हियर, देखिए फ्रेंड्स ट्राइंगल आपका है राइट एंगल, ठीक है, ये आ रहा हो गया आपका, दिस इज P एंड दिस इज Q, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 के बराबर, तो ये दूसरा हो जाएगा 60, दोनों का सम 90 के बराबर है, ठीक है ना, तो 10 P अपॉन 2 तो हो जाता है फ्रेंड्स 10 30 अपॉन 2, 10 30 अपॉन 2 माने 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, और 10 Q अपॉन 2 तो Q कितना है 60, 10 30 डिग्री बन जाएगा ही, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये आपका अल्फा है एंड दिस इज बीटा। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ दीजिए आप 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ओके 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है फ्रेंड्स इक्वल टू 0। अब इससे क्या बना फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, टू रूट थ्री माइनस थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री, साथ में आपका एक्स है, प्लस टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, ओके इक्वल टू जीरो। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, रूट थ्री को यहाँ भी ये रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, और ये दोनों घटेंगे माइनस थ्री और प्लस वन, तो आपका क्या आएगा टू रूट थ्री माइनस टू आ गया फ्रेंड्स अपॉन रूट थ्री, अपॉन रूट थ्री तो पूरे के अपॉन में लिख दो आप रूट थ्री, ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपने ले लिया साथ साथ में, और एक्स है यहाँ पे प्लस रूट थ्री, ये तो साथ सेम ही रहेगा, टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, तो आपका रूट थ्री एक्स स्क्वायर टू रूट थ्री माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से फ्रेंड्स ए आपका आ गया रूट थ्री, ठीक है, बी आ गया आपका बी एक्स स्क्वायर, तो बी आपका ये बीच वाला पार्ट है एक्स का जो कोफिशियंट आपका पूरा, तो इसको माइनस अंदर भेजिए तो क्या आ जाएगा प्लस टू बन जाएगा और माइनस टू रूट थ्री, ये आपका बी हो गया एंड सी आपका है टू माइनस रूट थ्री। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं ये सारे जो केसेस आपके ऑप्शन, अब ऑप्शन में चलूंगा मैं ए बी और सी में, तो इसमें पुटअप करूंगा ए बी और सी की वैल्यू, तो तीसरा वाला आप इक्वेशन आप देखेंगे कि इन वैल्यूज को रखने पर सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना, बाकी ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, यू कैन फर्दर डू इट ऑन योर ओन, ओके, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।